तो लास्ट क्लास में हम लोग ने एक दूसरा अप्रोच सीखा था टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन, दैट वाज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, नाइव बेस में, राइट आदि, शशांक, नंदिनी? लास्ट क्लास में मैं नहीं था, तो ठीक है. ये मतलब मैं पिछले 4-5 क्लासेस के बाद आया हूँ आज। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच हमने देखा था, नंदिनी, शशांक, नाइव बेस में. आज वापस से हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक अप्रोच टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन. यहाँ पे वी हैव अनदर एल्गोरिथम विच इज नोन एज के नियरेस्ट नेबर. ठीक है, एज सच कुछ बहुत तगड़ा टर्म नहीं है, सिंपली के नियरेस्ट नेबर. लेट्स सी व्हाट ऑल वी गोना डिस्कस इन टुडे सेशन. विल डिस्कस व्हाट इज दिस के एन एन, आखिर ये एल्गोरिथम है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल. बट उससे पहले वील डस्ट डिस्कस व्हाट दिस इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग इज. विल सी व्हाट इट इज, देन वील सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स. क्योंकि अब ऑब्वियसली वी हैव सम नियरेस्ट नेम, अब नियरेस्ट टर्म आ गया है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ गई, तो दैट इज वाई वी हैव दिस डिस्टेंस मैट्रिक्स. देन वील सी व्हाट इज दिस के एंड हाउ टू सेलेक्ट इट, एंड विल देन वील सी व्हाट दिस क्रॉस क्रॉस वैलिडेशन. नाउ लेट्स हेड हेड ऑन टू एक्चुअली आर नोटबुक एंड लेट मी स्टार्ट विथ टूडेज सेशन ऑन के नियरेस्ट नेबर. जस्ट टेल मी इफ इट इज विजिबल और नॉट. अगर विजिबल हो तो गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन एक्चुअली बिगिन विथ टूडेज सेशन. परफेक्ट, परफेक्ट. तो अभी तक हम लोग ने जो भी देखा दैट वाज अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लास्ट सेशन में. नाउ लेट्स सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ऑफिशियली स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज नोन एज इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग. फर्स्ट वील डिस्कस ये क्या होता है, बहुत नया टर्म है, मजा आएगा. We'll see what this was. First, let's see what this. देखो, अगर just tell me, अगर मैं तुमको कुछ याद करने को दूं, कुछ सीखने के लिए दूं, तो देर इज टू दो तरीका जो तुम कर सकते हो. देर इज टू अप्रोच विच यू कैन डू. If you have to learn something, let me first start with instance based learning. संजय, एक डाउट है हाँ थोड़ा सा। हाँ बोलो. ये KNN, ये मतलब क्या है? KNN ये एक एल्गो है, ये पता है, बट ये क्या है? आऊंगा मैं उस पर, आऊंगा उससे पहले ये टर्म मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ कारण से, उस पर भी आऊंगा मैं. वेट, ठीक है. देखो, फर्स्ट विल डिस्कस ये क्या होता है. इससे पहले ऐसे बताओ, अगर मैं तुमको कुछ सॉल्व करने को दूं, कुछ या कुछ तुमको सिखाना चाहूं, मैं दो तरीके से तुमको सिखा सकता हूं. एक है कि मैं तुमको कुछ एक एक सेट ऑफ प्रॉब्लम दूं, मैं कोई एक सेट ऑफ तुमको प्रॉब्लम दूं. लेट्स से दिस इज योर प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज योर प्रॉब्लम. इनिशियली क्या हो सकता है, इनिशियली ऐसा हो सकता है कि रेड विजिबल नहीं हो, ग्रीन विजिबल होगा आई गेस. हाँ ग्रीन विजिबल है. चलो, ऐसा हो सकता है कि लेट्स से आई हैव अ बॉय, अ गर्ल, जो भी, आई हैव अ पर्सन हियर. आई गिव दिस प्रॉब्लम टू दिस बॉय, ठीक है. इस पर्सन को मैंने ये प्रॉब्लम दिया, दिस इज P1, प्रॉब्लम वन, ठीक है. इससे इसने समझा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, और मैंने इसको इसका सोल्यूशन भी दिया, मैंने इसका सोल्यूशन भी इसको बताया कि ऐसा ये प्रॉब्लम का ऐसे सॉल्व करते हैं, समथिंग लाइक दैट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं इसको अब एक दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम दूं, अब मैं इसको एक दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम दूं, तो जैसे एक बच्चा सीखता है, एक बच्चा कैसे सीखता है कि उसने जो ऑलरेडी सीख रखा है वो उससे रिलेट करना चाहता है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम. वो चाहेगा कि तुमने ये जो प्रॉब्लम इसको दिया है P2, वो कहीं ना कहीं इसके इससे सिमिलर हो, राइट?
नंदिनी आदि शशांक, एकदम एकदम बेसिक। जैसे एक बच्चा अगर एक नया नया एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसे कुछ हम सिखाते हैं और फिर हम कुछ 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 चीज पर टेस्ट करना चाहते हैं, राइट? तो बच्चा का पहला जो अप्रोच क्या रहता है कि ही वुड फाइंड समथिंग सिमिलैरिटी बिटवीन समथिंग विच यू हैव गिवन विथ समथिंग ही हैज बीन ट्रेन्ड ऑन, राइट? मैंने क्या बोला कि बच्चे को तुमने इस P1 पे ट्रेन किया है, ठीक है? इसमें उसने बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। और जब तुम उसको दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम दिए, तो वो बच्चा का एक नेचुरल अप्रोच होगा कि तुमने जो P1 में सिखाया था उसको ट्रेनिंग में, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे, राइट? वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे, इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम मेमोरी। जो तुमने सिखाया है इस बच्चे को, वो ठीक है, उसके बेसिस पे वो कोई कुछ अप्रोच बिल्ड करे इसको सॉल्व करने के लिए। और एक दूसरा अप्रोच होता है कि बच्चा एकदम अपने से कुछ नया अप्रोच बिल्ड करे, एकदम अपने से, समथिंग फ्रॉम स्क्रैच ऑन विच ही हैज नॉट बीन ट्रेन्ड ऑन, राइट? राइट शशांक आदि नंदिनी। तो जो पहला एग्जाम्पल दिया मैंने, जहां पे ये जो भी बच्चा है, इसने जो उसने ट्रेनिंग ले रखा है उससे सिमिलैरिटी बिल्ड करके कुछ अप्रोच बिल्ड किया, उसको बोलते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। सो व्हाट वी कैन से इज, इट इज बेसिकली व्हाट कि यू हैव टू मेक, जैसे आप मशीन लर्निंग में बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक लेट्स से प्रिडिक्शन, यू हैव टू मेक सम प्रिडिक्शन और यू हैव टू डू सम क्लासिफिकेशन। हम यही दो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, राइट? बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी किसके किसके बीच होगा? समथिंग जो तुमने अभी दे रखा है एंड जिस पे वो ट्रेन हुआ है, ये दो चीज के बीच सिमिलैरिटी होगा, तभी वो कुछ एक्शन कर पाएगा। दैट एक्शन इज इधर प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इट इज, यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी बिटवीन अ न्यू इंस्टेंस जो तुम उसको प्रोवाइड करोगे, राइट? एंड ट्रेनिंग डेटा, जो तुम उसको ट्रेनिंग डेटा दिए, राइट? और न्यू इंस्टेंस जो तुम प्रोवाइड किए, इन दोनों के बीच कोई ना कोई सिमिलैरिटी ड्रॉ करेगा। सो बेसिकली अगर मेरे को एक वर्ड में अगर इसको डिफाइन करना हो, तो इट इज एज इजी एज यू हैव टू मेमोराइज दी ट्रेनिंग डेटा, दैट्स इट, एक वर्ड में। ये समझ में आया आदि शशांक नंदिनी? इज इट क्लियर? हाँ आ गया। परफेक्ट। अब बस इसी अप्रोच को केएनएन यूज करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज केएनएन। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज केएनएन, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ इट्स फुल फॉर्म, के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर इसका फुल फॉर्म है। अब देखो ये है क्या एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इंस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, इट इज इंस्टेंस बेस्ड सुपरवाइज्ड ML एल्गो, ठीक है? क्योंकि अभी तक हम लोग सुपरवाइज, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्लास लेबल दे रहे हैं, इट इज दैट इज वाई इट इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। एंड इट लर्न्स फ्रॉम वॉट इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन, इट लर्न्स फ्रॉम वॉट इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन, दैट इज वाई वी हैव यूज दिस वर्ड इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। अभी मैं इस पर और डेप्थ में आऊंगा, ये थोड़ा काइंड ऑफ फॉर्मैलिटी है फॉर दिस वन नोट, बट अभी जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर अभी जब मैं इसका थोड़ा मैथमेटिक्स डील करूंगा, ग्राफिकल नोटेशन, तब वो अच्छे से क्लियर होगा।
एंड इट इज यूज, यू मे यूज इट फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन. यू मे यूज इट फॉर आइदर ऑफ द केसेस. अब देखो है क्या पहले ये. लेट मी डिस्कस. अच्छा एक इसको जब मैं इसको मेरे को एक्सप्लेन करने के पहले जस्ट गिव मी अ नाइस एक्सप्लेनेशन. जैसे हम लोग मम्मी लोग बोलती हूँ बोलती हैं ये वर्ड सुनिए, संगत का असर पड़ा है. संगत का असर ये मम्मी लोग हाँ बहुत हाँ बोलती बहुत हैं, बहुत संगत का असर पड़ा है. लेट्स से यू हैव अ ग्रुप ऑफ फाइव, यू हैव अ ग्रुप ऑफ सम पीपल. ठीक है, यू हैव अ ग्रुप ऑफ सम पीपल जो मम्मी ये लाइन ये सब बोलती हैं, यू हैव सम पीपल. अगर मान लो कि तुम्हें क्या है, ये ग्रुप में हो तुम, ठीक है, दिस इज योर ग्रुप वन, दिस इज योर ग्रुप वन एंड दिस इज यू. ठीक है, इमेजिन इफ दिस इज अ वेरी गुड ग्रुप दैट लेट्स से इट इज स्टडी, इट स्टडीज, इट प्लेज एटसेट्रा. जो भी अच्छे अच्छे हरकतें होती हैं इनसाइड, गुड हैबिट्स, वो इस ग्रुप में है. ठीक है, ये इन चारों में वो हैबिट है. ठीक है, ये लोग पढ़ते भी हैं, ये लोग अच्छे से खेलते भी हैं, और जो भी तुम एक अच्छे जो जो अच्छा हैबिट तुम इमेजिन कर सकते हो, ये ग्रुप सारा पोजेस करता है. ठीक है, सो देर इज अ वेरी हाई चांस कि व्हेन यू वुड बी इन्वॉल्व इन दिस ग्रुप तुम में भी वो नेचर आने लगेगा. राइट आदि शशांक, देर इज अ वेरी हाई चांस कि तुम इस ग्रुप की तरह हो जाओगे आफ्टर सम टाइम्स. तुम में भी ये जो जो फीचर ये ग्रुप पोजेस करता है वो फीचर आ जाएगा. इमेजिन अनदर ग्रुप, इमेजिन अनदर ग्रुप, या सेम पीपल, सेम फोर पीपल एंड दिस टाइम दे आर नॉट गुड. ठीक है, दिस टाइम दे आर नॉट गुड. से दिस ग्रुप पजेस ऑल द बैड हैबिट्स यू मे इमेजिन. तो अब जब तुम इस ग्रुप में अपने आप को पाओगे, सो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑल्सो इनकलकेट ऑल दी बैड हैबिट्स जो इस ग्रुप में होगा. राइट, सो इससे तुमको एक आइडिया मिला कि यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट योर नेबर इज. जैसा तुम्हारा आसपास का लोग होगा वैसे ही तुम होंगे. राइट शशांक आदि नन्नी, थोड़ा क्लियर हुआ? जैसा तुम्हारा आसपास का लोग है उसी का तुम रिफ्लेक्शन होगे. तो दिस इज द सेम अप्रोच वी यूज इन के एन एन. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट मी बिल्ड अ स्केल हियर, लेट मी हैव समथिंग. लेट अस इमेजिन इफ आई एम यूजिंग ट्राइंगल इट मीन्स अ कैट. ठीक है, एंड इफ आई एम यूजिंग अ क्रॉस इट मीन्स अ डॉग. ठीक है, ठीक है, आई एम यूजिंग दिस इंडेक्स, इसे याद रखना. और लेट मी यूज इट सम अदर कलर, लेट मी यूज सम अदर कलर. इफ आई एम यूजिंग लेट्स से सर्कल इट मीन्स अ डॉग. सो इमेजिन, इमेजिन जैसा अभी तक हमने देखा क्लासिफिकेशन का एक टिपिकल ग्राफ कैसा होता है. गो, यू हैव समथिंग लाइक दिस. You have some curves. Oh, my mistake. These should all be triangles. चल कोई बात, let me build some triangles. तो अभी तक तुम लोग ने क्लास एक क्लासिफिकेशन का एक ग्राफ ऐसे ही होता है. राइट,
शशांक, यू हैव सम डिफरेंट, मैं दो क्लास का यहाँ बना रहा हूँ, मैं दो क्लास का यहाँ पे बना रहा हूँ. यू मे चूज टू बिल्ड सम अदर मोर डिफरेंट जैसा तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, बट मैं यहाँ दो क्लास का. अब देर वुड बी सम डिसीजन बाउंड्री, देर वुड बी सम डिसीजन बाउंड्री समथिंग लाइक दिस, जो इसको सेपरेट कर रहा होगा, कि इस डिसीजन बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड जो भी पॉइंट है दैट बिलोंग्स टू कैट, और इस डिसीजन बाउंड्री के राइट लेफ्ट हैंड साइड जो भी है दिस विल बिलोंग टू दिस डॉग कैटेगरी, राइट? हाँ, देर आर सम आउटलायर्स, बट ठीक है, हम यही चाहते हैं कि देर हैज टू बी सम आउटलायर्स. ठीक है, दीज आर योर फीचर्स. दिस इज योर फीचर वन, दिस इज योर फीचर टू. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज योर इनिशियल. अच्छा, अब लेट अस इमेजिन यू हैव अ पॉइंट हेयर, यू हैव अ पॉइंट हेयर. अब तुमको अगर इसको क्लासिफाई करना होगा तो तुम इसको कैसे क्लासिफाई करोगे? अब इसको तुम क्लासिफाई करना होगा, तो इफ यू आर यूजिंग कैनन, लेट्स सी हाउ इट इज डन. इफ यू आर यूजिंग कैनन, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर, एंड देर इज दिस वर्ड के. के इज अ नंबर, के इज वॉट अ नंबर, के कुड बी वन, के कुड बी टू, के कुड बी थ्री, समथिंग लाइक दिस. दिस इज एन इंटीजर वैल्यू. अब देखो होता क्या है, लेट अस टेक थ्री, लेट अस टेक के इज इक्वल टू थ्री, थ्री नियरेस्ट नेबर के लिए हम निकाल रहे हैं. ठीक है, थ्री नियरेस्ट नेबर, आई एम इलस्ट्रेटिंग फॉर दिस के इज इक्वल टू थ्री. चलो अब देखो होगा ये, अब होगा ये कि व्हाट यू विल डू इज, अगर ये मेरा डेटा पॉइंट है, ठीक है, ये एक डेटा पॉइंट तुमने दिया, व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट विल विथ, लेट्स से इससे तुमने डिस्टेंस निकाला, इस पॉइंट से निकाला, इस पॉइंट से निकाला, इस पॉइंट से निकाला, इस पॉइंट से निकाला, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये तुम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है, ठीक है आदि नंदिनी शशांक. अब तुमने ऐसे ही करके पूरा डेटा सेट के साथ इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दिया, ऐसे ही करके तुमने क्या किया, सबके साथ डिस्टेंस निकाल लिया. अब सिंस यू आर यूजिंग थ्री, तो यू विल सॉर्ट डिस्टेंसेज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा. जब तुम छोटा से बड़ा कर दोगे तो यू विल हैव सम डेटा पॉइंट्स, जिससे ये जो हमारा डेटा सेट है ये सबसे नजदीक होगा. लाइक वी आर, इफ यू आर यूजिंग इट, लेट अस से व्हाट आई मीन, मैं एक टेबल बना, काइंड ऑफ टेबल बना देता हूँ. लेट अस से वी हैव दिस डेटा पॉइंट एंड लेट अस हैव दिस डिस्टेंस विथ लेट्स से डी ऑफ टी. डी टी हमारे, ये अगर इसका नाम मैं डी टी रख लूँ, इफ दिस इज डी टी, तो हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं. तो आफ्टर सॉर्टिंग यू कुड हैव सम डेट लाइक यू D11 के साथ लेट्स से 2 यूनिट का डिस्टेंस है, D2 के साथ 5 यूनिट का डिस्टेंस है, D6 के साथ 5.7 यूनिट का डिस्टेंस है, समथिंग लाइक दैट. ऐसे ही इट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट? हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, करेक्ट? अब नाउ व्हाट यू विल डू इज, वी हैव यूज्ड के इज इक्वल्स टू थ्री, वी हैव यूज्ड के इज इक्वल्स टू थ्री, तो वी विल सेलेक्ट द टॉप थ्री डेटा डेटा पॉइंट्स, वी विल हैव दीज थ्री डेटा पॉइंट्स. ठीक है, करेक्ट? करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक अनदर क्लास है, यहाँ पे हम इसे क्लास लिख देते हैं. लेट अस से दिस से इट इज अ डॉग, दिस से इट इज अ कैट, दिस से इट इज अ कैट, समथिंग लाइक दिस. ऐसे हर एक डेटा पॉइंट का कुछ ना कुछ क्लास होगा. अब तुमने जितना के वैल्यू था उतना डेटा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है. फर्स्ट लेट मी टेल यू हाउ डू वी डू इट विथ क्लासिफिकेशन, फिर मैं रिग्रेशन डील करूंगा. अब जब तुमने ये 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है तो हर एक डेटा पॉइंट का कुछ ना कुछ क्लास होगा, करेक्ट? नंदिनी आदि, मेक सेंस थोड़ा थोड़ा? कि अब जो तुमने 3 डेटा पॉइंट कलेक्ट किया उसका कुछ ना कुछ क्लास होगा,
लेट्स से तुम्हारा D11 था, इसका क्लास था डॉग, दूसरा कौन सा था, D2 और D6। D2 सेज इट इज अ कैट एंड D6 सेज इट इज अ कैट, ये तीन पॉइंट तुमने सेलेक्ट कर। अब नाउ टेल मी इफ इट इफ अ पॉइंट लाइज इन दिस एरिया, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट मी रेज दिस, अब नाउ अब लेट्स से दिस इज द रीजन, दिस इज योर D6, दिस इज योर D, ये क्या था, D11 वॉज योर डॉग, D6 और D2, दिस इज योर D2, ये तीन पॉइंट का तुम्हारा नेबरहुड बना, ठीक है, ये तीन पॉइंट का नेबरहुड बना। अब जरा काउंट कर दो इस नेबरहुड में कितने कैट हैं, तो आई कैन से देर आर टू कैट हेयर राइट इस नेबरहुड में, एंड देर इज ओनली वन डॉग, 2:1। तो आई कैन अज्यूम कि ये जो पॉइंट है मेरा DT, दिस वुड बी अ कैट, बिकॉज उस रीजन के जो मेजोरिटी लोग हैं दे आर बिलोंगिंग टू दिस कैट कैटेगरी आदि। शशांक हाँ, बट श्योर नहीं हो सकते ना, इट कैन बी डॉग। ये तुम ना बोल रहे हो, दिस इज द एल्गोरिदम, दिस इज द एल्गोरिदम। अगर मैं एवरेज लू, लेट्स लेट्स से कि आई हैव टू टेक द एवरेज कि इस ग्रुप इस नेबरहुड में कैसे लोग हैं, तो भैया जैसा मेजोरिटी होगा देयर इज अ वेरी हाई चांस कि दिस D2 वुड बी दैट। जो आदि तुम एक आउटलायर के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, कॉमन, एक कॉमन जनरलाइजेशन का मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज जो तुम स्पेसिफिक केस बोल रहे हो मैं उस पर आऊंगा। इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल जो अभी तक हमने सीखा कि मेरा जैसा आस पड़ोस होगा मैं भी वैसे ही हूंगा, तो मेरा आस पड़ोस इज कैट का, तो मैं भी कैट ही हूंगा राइट। दिस इज वॉट केएनएन इज, कि तुम्हारा अगर मैं 5 का लेता, लेट्स से अगर मैं 5 का नेबरहुड रखता तो मेरा कुछ लेट्स से ऐसा आता, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस। अब इस नेबरहुड में काउंट करो, एक दो, दो कैट है, एक दो तीन, तीन नेबरहुड है, तीन डॉग है, तो दिस डॉग होगा। अब डॉग हो गया, समथिंग लाइक दैट। दिस इज हाउ केनन वर्क, इट सिंपली वर्क ऑन द प्रिंसिपल कि तुम अपना एक नेबरहुड डिफाइन करो, इफ यू वॉन्ट टू क्लासीफाई, तो क्लासिफिकेशन करना है तो जो भी क्लासेस हैं उसमें देखो कि कौन सा क्लास सबसे मेजोरिटी में है, जो मोड है, जो मोड आएगा क्लासेस का, मैं फिर से एक टेबल जैसे मैं लास्ट बार बनाया था मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। वॉट यू विल डू, तुम्हारे पास कुछ डेटा सेट होंगे, कुछ इनपुट फीचर्स, यू विल हैव सम इनपुट फीचर्स राइट। तुम इस इनपुट फीचर से नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, नेक्स्ट स्टेप रुको मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक शेप ऑन कर देता हूँ। यू विल हैव सम इनपुट फीचर है, जब तुम्हारा इनपुट फीचर मिल जाएगा यू विल पुट, यू विल ट्रेन इट इन योर केएनएन मॉडल, ठीक है, यू विल पुट, यू विल ट्रेन इट इन योर केएनएन मॉडल। अब इसमें एक चीज जो तुमको पुट करना होगा, यू हैव टू गिव इट अ नाइस वैल्यू ऑफ के, यू हैव टू सेलेक्ट के। जैसे तुमने देखा कि जैसे ही मैंने के का वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया मेरा आउटपुट चेंज हो गया, डॉग से वो कैट हो गया, कैट से डॉग, वाइस वर्सा, समथिंग लाइक, ऐसे ही हुआ नंदिनी, शशांक आदि, यही हुआ, मैंने थोड़ा सा नेबरहुड बड़ा कर दिया, माई आंसर चेंज। सो नाउ we'll discuss this, select k, we'll see. So once you have selected, you can have two different approaches, you can either go for classification or you can go for regression, ठीक है। इस अच्छा इससे भी पहले एक एक स्टेप आता है, मैं वो डिस्कस, इससे भी पहले एक स्टेप आता है, दैट इज डेवलपिंग योर नेबरहुड। ये तुम्हारा बना के, तुमने डिसाइड किया, इसके इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा एक नेबरहुड डिफाइंड होगा, ठीक है, यू विल हैव अ नेबरहुड
नेबरहुड डिफाइंड। अब जब तुम्हारा नेबरहुड डिफाइंड हो जाएगा तब तुम इसके साथ रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन जो करना तुम करो। लेट मी डिस्कस इट फॉर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का आउटपुट आउटपुट मैंने तुमको कैसे बताया, कैसे आया कि जो भी क्लासेस लेवल थे मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल उसका मोड ले लिया। मोड इज व्हाट, जो मेजॉरिटी पोर्शन है वही। और सिंपली यू में से कि यू विल टेक दी हैप्पीएस्ट टेम्पररी, यू में टेक द मेजॉरिटी, यू विल टेक द मेजॉरिटी क्लास, जो क्लास मेजॉरिटी में है यू विल टेक दिस। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों इक्वल हो, बिकॉज हम हमेशा ऑड क्लासेस लेते हैं, ऑड नंबर, ऑड के 3, 5 समथिंग लाइक दैट। तो इसमें होता ये है कि देयर हैज टू बी अ क्लास जो मेजॉरिटी में आ जाए। देन इफ यू वांट टू डू इट फॉर रिग्रेशन, अच्छा के सेलेक्ट करना डिपेंड्स अपॉन अस, मतलब हम अपनी मर्जी से उसका। एक मैं टॉपिक में बताया कि हाउ विल सी हाउ डू वी सेलेक्ट के, मेरे को आने दो उस पे, विल सी हाउ डू इट। बट तुमने एक देखा कि तुम्हारा जैसे ही के का वैल्यू चेंज किया तुम्हारा आंसर चेंज हो गया, राइट? हाँ, अभी मैं उस पे भी आऊंगा, जस्ट हैव पेशेंस। सो इफ यू वांट टू टेक रिग्रेशन व्हाट विल डू, व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली टेक द मीन, मीन ऑफ क्लास, मीन ऑफ वैल्यूज। For example, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। Let us say तुमने तीन क्लास सेलेक्ट किया, D1, D2, D3। अब रिग्रेशन का बात करें तो there has to be some y values. Let's say this one says 21, this says 22, this says 23. तुम्हारा आउटपुट क्या होगा? Simple, 1/3, D1 plus D2 plus D3. तीनों का जो एवरेज होगा दैट इज योर आउटपुट रिग्रेशन में। रिग्रेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन प्रॉब्लम। मोस्टली यू विल यूज केएनएन फॉर क्लासिफिकेशन ओनली, बट यू मे आल्सो यूज इट फॉर रिग्रेशन आल्सो। ऐसा कोई हाथ बांधने वाला चीज नहीं है, एज सिंपल एज। तो एक बेसिक इंट्यूशन क्लियर हुआ व्हाट दिस केएनएन इज, व्हाट दिस केएनएन इज आदि नंदिनी? चलो परफेक्ट। अब तुमने देखा कि यहां पे हम लोग ने जो भी हमारा डेटा पॉइंट था उससे डिस्टेंस निकाला हर एक बाकी डेटा पॉइंट्स का। अगर ये तुम्हारा टारगेट DT वाज योर टारगेट डेटा पॉइंट, तुमने आसपास के जो भी उसके नेबरहुड में आ रहे हैं सबसे डिस्टेंस निकाला। तो नाउ यू मे से कि हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, राइट? दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, that is your distance matrix. Let me erase this. चलो we'll discuss, ठीक है? एक आइडिया मिला कि केएनएन वॉज कि ओके व्हाट वी हैव टू डू, स्टेप वन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑल डिफरेंट पॉइंट्स, स्टेप टू arrange them in ascending order, step 3 जितना तुमने k select किया है ऊपर से उतने तीन values उठाओ, step 4 if you are doing for classification उसका तुम जो class majority में है simple वो output हो जाएगा। अगर वो regression में हुआ तो जितना भी तुमने k value select किए सबका average ले लो, that's it, that is your KNN, simple। ये चार step है इसमें। now the question is जब तुम distance calculate कर रहे होगे different data points से तो हाउ डू यू एक्चुअली कैलकुलेट इट, दैट इज द क्वेश्चन। सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बहुत बेसिक जो हम सब ने अपने 10th में पढ़ रखा है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। द फर्स्ट वन इज यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आई गेस सबको पता ही होगा। अगर मेरे को लेट अस से this is a point, let's say this a x1 comma y1, this is the point b, my target point x2 comma y2, agar mere ko iska distance nikalna hai to one approach is this distance, right? ya ruko main isko ek graph mein bana deta hu, zyada suitable hoga samjhana।
ठीक है. इफ यू हैव टू डिस्टेंट डिफरेंट पॉइंट्स, वन इज हेयर वन इज हेयर, दिस इज एक्स टू कॉमा वाई टू, दिस इज एक्स वन कॉमा वाई वन, इफ दीज आर योर डिस्टेंसेस. तो तुम्हारा तुम्हारा एक बेसिक सिंपल अप्रोच होगा कि जो अभी तक हमने सीख रखा है कि दिस इज द डिस्टेंस, ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लेंथ है, दिस इज द डिस्टेंस, राइट. ये डिस्टेंस कैसे आता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये तो पढ़ रखा है हमने. अब ऐसे ही अगर हमको एन नंबर ऑफ पॉइंट ले करना है तो आई कैन सिंपली डू इट फॉर एन पॉइंट्स, करेक्ट. दिस इज द वेरी फर्स्ट अप्रोच ऑफ व्हाट यूक्लिडियन डिस्टेंस. तुम ये फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लो सबसे, एंड देन यू सिंपली सॉर्ट इट आउट इन अ टेबल इन एन असेंडिंग ऑर्डर, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द टॉप के वैल्यूज जैसे तुम्हारा रिक्वायरमेंट है. अनदर वन इज मैनहट्टन डिस्टेंस. मैनहट्टन डिस्टेंस व्हाट, अभी मैनहट्टन मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, विल सी हियर. लेट्स सी, लेट अस से यू अगेन हैव दिस ग्राफ, ठीक है, एंड लेट अस सेलेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स. एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, जस्ट मैं आ रहा हूँ, एक मिनट जस्ट. फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं. सॉरी थोड़ा सा, फाइन, चलो देखो. इफ दिस इज द पॉइंट, अगेन यू मे टेक इट एज समथिंग एज एक्स वन कॉमा वाई वन, दिस इज समथिंग एज एक्स टू कॉमा वाई टू, इफ दीज आर योर टू डिस्टेंसेस. सो एक अप्रोच तुमने देखा यूक्लिडियन में कि तुम सीधे जो हम अभी तक देख हम लोगों ने देखा कि यू सिंपली ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू पॉइंट एंड यू विल गेट द डिस्टेंस, एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है. अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये तो मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, राइट. ये तो बताने का मेरे को जरूरत नहीं है. देर वुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज योर वाई टू माइनस वाई वन, दिस डिस्टेंस इज एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट. तो तुमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यू हैव यूज यू गॉट योर वैल्यू, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट मैनहट्टन डिस्टेंस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें क्या होता है कि यू यू एक्चुअली गेट दिस. देखो यहां पे एक लाइन, इफ आई अज्यूम अ लाइन हेयर, लेट मी अज्यूम अ लाइन समथिंग लाइक दिस. फाइन, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ बट चलो. इस पॉइंट पर रखता हूँ, चलो. अब वॉट एवर पॉइंट दैट विल लाई ऑन दिस लाइन, जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन होगा, मेक सेंस. ऐसे ही वॉट एवर पॉइंट दैट विल लाई ऑन दिस लाइन वुड बिलोंग टू y इज इक्वल्स टू दैट विल बिलोंग टू y इज इक्वल्स टू वाई टू, राइट. मेक सेंस? थोड़ा थोड़ा इस रेड लाइन में जो भी पॉइंट x, जो भी पॉइंट तुम यू में चूज, इट विल हैव इट्स y वैल्यू एज वाई टू. एक्स वैल्यू चेंज हो सकता है बट y वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है. तो व्हाट यू विल डू,
मैनहट्टन डिस्टेंस में क्या होता है कि यू एक्चुअली गेट दिस डिस्टेंस. इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस, ये जो डिस्टेंस आया दिस मच प्लस दिस मच, दिस इज योर मैनहट्टन डिस्टेंस. क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब मान लो कि इतना डी वन वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये डी वन वैल्यू क्या है, दिस इज वाई टू, दिस इज सिंपली योर वाई टू माइनस वाई वन एंड दिस इज एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स वन. ठीक है, क्लियर है? बस तुम्हारा व्हाट योर डी इज, डी इज सिंपली एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन. और यू टेक अ मॉडुलस, जिससे क्या होगा कि अगर वैल्यू निगेटिव में भी होगी तब भी यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज हम जब डिस्टेंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हो सकता है निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, बट हम नहीं चाहते कि उससे मेरा कुछ अफेक्ट पड़े, तो आई विल हैव दिस मॉडुलस. क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज आदि, नंदिनी? अगर नहीं आया तो जस्ट टेल मी. शशांक, इज इट क्लियर? यू ऐड सिंपली दिस डिस्टेंस. परफेक्ट. नाउ लेट्स डू व्हाट, लेट अस सी अनदर वन मोर जनरलाइजेशन. अब इसके इसके अलावा भी बहुत सारा, चेबीशेव डिस्टेंस होता है, बहुत सारा डिस्टेंस होता है, यू मे एक्चुअली एक्सप्लोर इट. नाउ लेट्स डिस्कस इसका एक जनरलाइजेशन, दिस इज नोन एज की डिस्टेंस. दिस इज मतलब अब तुमको अब तुम उसको देखोगे तो तुमको हंसी आएगा. इस बंदे ने क्या किया कि इसने एक पैरामीटर इंक्लूड कर दिया पी, इसने एक पैरामीटर इंक्लूड कर दिया पी. अच्छा रुको, मैं काम करता हूँ, इसको समेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ. ठीक है, मैं समेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा. तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग दिस सम आई इज इक्वल्स टू वन टिल लेट्स से एम डेटा पॉइंट. तुम क्या कर रहे हो, ये कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? समथिंग लाइक दिस, एक्स लेट्स से आई डैश माइनस एक्स आई, समथिंग लाइक दिस, राइट? और अगर अगर मेरे को सिर्फ एक्स वाई के टर्म में करना होगा तो यू आर बेसिकली कैलकुलेटिंग दिस डिस्टेंस, एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर. ओ नो, जस्ट ओ सॉरी 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 सॉरी, यू आर कैलकुलेटिंग दिस एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई होल स्क्वायर एंड लेट्स डू इट फॉर, दिस इज व्हाट यू आर एसेंशियली कैलकुलेटिंग. ठीक है, फॉर ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, तुम इसका समेशन ले लो, सिंपल इसका समेशन ले लो यार, आई प्लस वन आई, यहाँ पे आई प्लस वन टेक आई, आई प्लस वन यू टेक दी समेशन आई इज इक्वल्स टू वन टिल एम एंड दिस इज व्हाट योर डिस्टेंस इज. ठीक है, ठीक है? अगर इफ यू आर एम एम डेटा पॉइंट, तुम सबके साथ ये करोगे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया. इन्होंने बोला कि तुम बस ये कैलकुलेट करो, ठीक है? यहाँ पे एक पैरामीटर पी है, माइनस वाई आई का पैरामीटर पी, अगर मैं इसको मॉडुलस में ले लूं, रेज टू द पावर वन बाई पी. व्हाट दिस पी इज, इफ दिस पी इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज मैनहट्टन डिस्टेंस एंड इफ पी इज इक्वल टू टू इट इंप्लाइज यूक्लिडियन डिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट. अब तुम अगर इस फॉर्मूला में ध्यान से देखो तो मैं इस पर ठीक से ले देता हूँ, दिस इज कैरियोबल. अगर तुम पी का वैल्यू टू रखोगे तो वन बाई टू इज वॉट, रूट अंडर, और सब स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे,
राइट, तो एक जनरल फॉर्मूला इन्होंने दे दिया जो दोनों के लिए वैलिड होगा। तुम यहाँ पर रख के देख सकते हो, पी का वैल्यू 1 रखो तो सब लीनियर होगा, सम यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। और अगर वैल्यू 2 रखोगे तो यू विल गेट अ स्क्वायर हेयर, यू विल गेट अ स्क्वायर हेयर, एंड 1/2 इज वॉट यू रूट अंडर स्क्वायर रूट, यू विल गेट अ स्क्वायर रूट हेयर। दैट एज सिंपल एज, कुछ इसमें तामझाम नहीं। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ केएनएन। व्हाट विल हैपन, लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ वी ट्राई टू बिल्ड समथिंग विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, मैं इस एक सिंपल मैं अप्रोच से मैं तुमको बताता हूँ। एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट अस से कि वी हैव टू डिफरेंट क्लासेस कैट एंड डॉग्स, जैसा हम लोगों ने अभी देखा। कैन आई हैव समथिंग लाइक दिस, कैन हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। वेयर दिस रिप्रेजेंट लेट्स से डॉग, नहीं कैट था ना पिछले बार, चलो ठीक है कैट, एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर डॉग। ठीक है, क्लियर। अब व्हाट हैपेंस इज, अब देखते हैं कि के का वैल्यू हम चेंज करते हैं तो क्या क्या होता है। लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ के थोड़ा सा। तो अज्यूम वी हैव दिस डेटा पॉइंट। ठीक है, जैसे हमेशा एक आउटलायर होता है, ऑब्वियसली कुछ आउटलायर होगा इस। अच्छा रुको, परफेक्ट। लेट अस से आई हैव अ पॉइंट नेक्स्ट टू दिस ट्रायंगल। मेरा एक पॉइंट ये पिंक है, दिस इज माय टारगेट पॉइंट, दिस इज माय टारगेट पॉइंट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं, अच्छा ये जो पॉइंट है ये किसके सबसे नजदीक है? ऑब्वियसली ये पिंक, ये जो ग्रीन ट्रायंगल है उसके सबसे नजदीक है, करेक्ट। सो अगर मैं अपना नेबरहुड, अगर k का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ आई टेक k इज इक्वल टू 1, तो मेरा सिंपली ये मेरा नेबरहुड डिफाइन हो जाएगा, राइट। सो इसके हिसाब से ये क्या हुआ, मेरा जो पिंक टारगेट है ये क्या होगा, मेरा कैट हो जाएगा, राइट। बट टेक्निकली अगर तुम थोड़ा सा भी रीजनिंग दोगे तो यू कैन सी यू हैव अ डिसीजन बाउंड्री विच सेज दैट दिस पॉइंट बिलोंग्स टू द डॉग कैटेगरी, राइट। नंदिनी शशांक, ये जो पिंक पॉइंट है ये तो डिसीजन बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड में है, टेक्निकली इट शुड बी अ डॉग, बट तुम्हारे एक आउटलायर के कारण, आउटलायर विल एग्जिस्ट इन योर डेटा डेटा सेट। ठीक है, आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं डेटा सेट में, तो अगर तुम्हारे अगर की का वाली बहुत छोटा कर दिए तो क्या हुआ, यहाँ पे तुमने देखा कि तुम्हारा जो डेटा सेट है इसने क्या किया, इसने इनकरेक्ट प्रेडिक्शन दिया तुमको, इसने क्या किया, इनकरेक्ट प्रेडिक्शन दिया। और ये इनकरेक्ट प्रेडिक्शन जो यहां हो रहा है, दिस इज नोन एज ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। व्हाट, यहां पे जरा ध्यान से देखो, इसने क्या किया है, जो अभी तो मैं इसको ट्रेन कर रहा हूं, जब मैं इसको ट्रेन कर रहा हूं, यू मे सी दिस मॉडल इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल बिकॉज ऑफ सम आउटलायर इन दी ट्रेनिंग डेटा सेट। मैंने क्या बोला,
कुछ आउटलायर होते हैं, कुछ जो नॉइज डेटा सेट में होते हैं, उसके कारण इस डेटा सेट ने करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर पाया, इनकरेक्ट प्रिडिक्शन किया मेरे लिए। करेक्ट आदि, नंदिनी, शशांक, बस एक जो आउटलायर आ गया उसके कारण इसने पूरा खेल खराब कर दिया। इट कुड हैपन समवेयर, यहाँ इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आउटलायर एग्जिस्ट करेंगे ही, ऑब्वियसली करेगा। सो इफ यू हैव सम डेटा पॉइंट अगेन हियर, लेट्स से, सो इफ यू टेक के इज इक्वल्स टू 1, टिपिकली यू विल हैव अ नेबर समथिंग लाइक दिस एंड यू विल से इट इज अ डॉग, ऑल्दो इट इज अ कैट, ऑल्दो योर डेटा पॉइंट इज अ कैट, इट विल गिव यू अ रॉन्ग प्रिडिक्शन दैट इट इज अ डॉग। तो दिस इज वॉट, दिस इज नोन एज ओवर फिटिंग। बायस कम है बट देर इज अ वेरी हाई वेरियंस जस्ट बिकॉज हमारे पास कुछ आउटलायर्स आ गए। अच्छा, लेट अस सी व्हाट वुड हैपन इफ आई टेक अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ के। इफ आई टेक अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ के, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेट्स से के इज इक्वल्स टू समवेयर 50, और अज्यूम करो कि हर एक साइड 50-50 डेटा सेट। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज तुम्हारा जो नेबरहुड होगा वो कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, पूरा जितना जितना डेटा सेट आसपास के 50 डेटा सेट हैं वो इसमें आ सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, 50 डेटा सेट समथिंग, दिस इज योर न्यू नेबरहुड। ठीक है, अब जरा इसमें से बताओ, अब जरा मेरे को इसमें से बताओ, इफ इफ लेट्स से माय डिसीजन बाउंड्री इज समथिंग लाइक दिस, इफ माय डिसीजन बाउंड्री इज समथिंग लाइक दिस, एक सेकेंड, यस, इफ माय डिसीजन बाउंड्री इज समथिंग लाइक दिस। अब ये पॉइंट टिपिकली किधर एग्जिस्ट करना चाहिए था, शुड इट, अगर डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से देखो तो इट शुड बी अ डॉग, करेक्ट। नंदनी, इफ यू कुड सी डिसीजन बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट शुड बी अ डॉग। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट के एन एन, और के एन के एन में के का वैल्यू बहुत बड़ा रख दिए, अब इफ यू कुड काउंट जो क्लास मेजॉरिटी में होगा वो क्लास वुड बी द आउटपुट, हाउएवर इट सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। अभी यहां पे देखो, इफ माई डिसीजन बाउंड्री लुक समथिंग लाइक दिस, इट शुड बी अ कैट, इट शुड बी अ डॉग, बट सिंस माई के इज 50 विच इज हाई, आई विल हैव द आउटपुट एज कैट बिकॉज उस नेबरहुड में मेजॉरिटी आर कैट, करेक्ट। शशांक, आदि आदि, आई गेस आदि को, हाँ आदि को भी क्लियर हो गया। चलो, सो दिस इज व्हाट हैपेंस, तुमको बहुत कम के वैल्यू भी नहीं रखना है बिकॉज उस केस में वो ओवर फिटिंग कराएगा, और बहुत हाई वैल्यू भी नहीं रखना है जिसमें वो अंडर फिटिंग कराएगा, तुमको दोनों ही केस नहीं रखना। यू वॉन्ट समथिंग इन बिटवीन, समथिंग विच विल एक्चुअली गिव यू अ वेरी नाइस आउटपुट। सो व्हाट हैपेंस इज इफ योर के इज, लेट्स से इफ यू हैव के इज लार्ज, के लार्ज है तो वॉट इट विल कॉज, फर्स्ट थिंग इट विल लीड टू अंडर फिटिंग, इट विल लीड टू अंडर फिटिंग। सेकेंड थिंग, तुमने देखा जब हम के का वैल्यू हाई रखा था, के वैल्यू जब हमने हाई रखा था तो जो हमारा एग्जैक्ट ट्रेनिंग डेटा सेट है उसी को वो नहीं समझ पाया ठीक से, बिकॉज हमारा डिसीजन बाउंड्री कुछ कह रहा है, तुमने मेजोरिटी ले लिया, और मेजोरिटी के कारण क्या किया, तुमने गलत आउटपुट दे दिया, तो बेसिकली क्या होगा कि यू विल गेट सम इनकरेक्ट प्रिडिक्शन, इनकरेक्ट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन मेजोरिटी
जैसा मेजोरिटी क्लास होगा उस 50 में चांस ज्यादा है कि वो क्लास के लोग ज्यादा मिले, और अगर वो ज्यादा होंगे तो टिपिकली योर आउटपुट वुड बी दैट ओनली, वही जो क्लास होगा जो मेजोरिटी में. दिस इज समथिंग आई डोंट वॉन्ट. लेट अस सी व्हाट वुड हैपन इफ योर के इज वेरी स्मॉल. दिस इज ऑल्सो समथिंग आई डोंट वॉन्ट. हमको के का वाली बहुत छोटा भी नहीं चाहिए. हमने देखा क्या होता है, इट लीड्स टू ओवर, इट लीड्स टू ओवर फिटिंग, ठीक है, बिकॉज ट्रेनिंग डेटा को तो अच्छे से समझ गया. जब हम उसको नए वैल्यू पे चेक कर रहे थे क्या हो रहा था, जो आसपास के कुछ आउटलायर है उसको भी वो रीड कर ले रहा था, विच आई डोंट वॉन्ट, राइट. सो वॉट 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 एंड अप हैपनिंग इज कि इट कैप्चर्स दी आउटलायर्स और योर नॉइज और योर इरेगुलरिटीज ऑफ द डेटा, ठीक है. इतना समझ में आया आदि नंदिनी, इतना क्लियर हुआ, परफेक्ट. नाउ लेट्स सी, वी विल बिल्ड अ प्रोग्राम. लेट्स सी कि हाउ डू वी एक्चुअली सेलेक्ट सम के वैल्यूज, ठीक है. लेट्स सी हाउ डू वी एक्चुअली सेलेक्ट सम के वैल्यू. सिलेक्शन ऑफ के वैल्यू यहाँ समझ में आया कि इट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग. बहुत छोटा वैल्यू भी मेरे को नहीं चाहिए, बहुत बड़ा वैल्यू भी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है. सो हाउ क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू सेलेक्ट के, हाउ टू सेलेक्ट के. इसके लिए दो अप्रोचेस हैं, ठीक है. इसके लिए दो अप्रोचेस हैं. देर आर टू अप्रोचेस. अप्रोच वन इज विच इज प्रिटी मैथमेटिकल. व्हाट इट सेज कि लेट्स से यू हैव एन ऑब्जर्वेशंस और योर डेटा सेट, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, सॉरी, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है. इफ एन इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, योर के वैल्यू शुड बी रूट अंडर एन. दैट्स इट. दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक अप्रोच. तुमने क्या किया, उसका रूट ले लिया. हाँ, इसमें यह भी हो सकता है तुम्हारे पास इवन वैल्यूज भी आए, ऑड वैल्यूज भी आए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल यू सिंपली अवॉइड इवन वैल्यूज, बिकॉज तुम जब तुम ऑड लोगे तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑड सेलेक्ट होंगे, तो अगर वो ऑड सेलेक्ट होंगे तो मेजोरिटी तुम बिल्ड कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास के इज इक्वल टू 3 है तो दो, कोई दो वैल्यू तो मेजोरिटी, दो कोई दो क्लासेस तो मेजोरिटी में हमेशा रहेंगी, ठीक है. दिस इज ह्यूरिस्टिक अप्रोच. अनदर वन इज विच इज नोन एज एक्सपेरिमेंटेशन अप्रोच, और समवेयर इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस वैलिडेशन अप्रोच टू. दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन. देखो क्या करते हो तुम, व्हाट यू विल डू, तुम बोलते हो कि ठीक है, इफ मेरा के का कुछ वैल्यू है तो इसके साथ कुछ एक्यूरेसी असाइंड है, राइट. अगर के का वैल्यू कम होगा तब भी मैं एक्यूरेट नहीं हूंगा, के का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तब भी मैं एक्यूरेट नहीं हूंगा, राइट. नंदनी आदि शशांक, के साथ एक एक्यूरेसी असाइंड है ना, कि कुछ के वैल्यू के लिए मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा मॉडल का, कुछ के वैल्यू के लिए मेरे लिए खराब होगा. तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि लेट अस डू व्हाट, एक रेंज बनाते हैं, समथिंग लाइक एक रेंज बनाते हैं कि लेट्स से डू टिल के इज इक्वल्स टू 50, ठीक है. के इज इक्वल्स टू 50, तुम क्या करोगे कि डेटा
के लिए जो के आएगा उसके उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्यूरेसी है वो निकालो, ठीक है। उसको कोई लेट से लिस्ट में, कहीं कोई लिस्ट में स्टोर कर लो, कोई एरे में स्टोर कर लो, ठीक है, या सबसे अच्छा कोई डिक्शनरी में स्टोर कर लो, ठीक है। तो लेट से यू हैव डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में व्हाट यू विल हैव सम के वैल्यू, उसके असाइन में कुछ एक्यूरेसी स्कोर होगा, राइट। ए वन लेट से के वन, अगर कुछ के वन आया तो एक्यूरेसी वन आया, के टू है एक्यूरेसी टू है, समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड देन यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट के जिसके लिए तुम्हारा एक्यूरेसी सबसे हाई है, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज देखो होता ही है, होता ही है, मैं तुमको बता दूं, अभी हम प्लॉट भी देखेंगे कि दिस इज योर के वैल्यू, दिस इज योर एक्यूरेसी वैल्यू। वो देखो इन जनरल क्या होता है कि तुम्हारा, जैसे जैसे तुम के का वैल्यू बढ़ाओगे ना, तुम्हारा कुछ खास एक्यूरेसी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्यूरेसी तुम्हारा स्मूथ हो जाता है। योर ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक ऐसा, समथिंग लाइक, जहां पे देर हैज टू बी अ पीक वैल्यू, देर हैज टू बी अ पीक वैल्यू। लेट्स से दिस इज के इज इक्वल्स टू समथिंग, दिस इज के बेस्ट, दिस इज द बेस्ट के यू वांट। इसके लिए एक्यूरेसी यू कैन सी इज अ वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी। लेकिन जैसे जैसे हमने के बढ़ाया, फिर ये कर्व देखो स्मूथ हो गया, कुछ खास एक्यूरेसी में फर्क नहीं आया, करेक्ट। और तुम अगर बहुत कम अगर के रखोगे तब भी तुम्हारा एक्यूरेसी कम रहेगा, जैसे जैसे के बढ़ाओगे तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ा, देन इट ड्रॉप्स डाउन एंड इट फ्लैट्स आउट, दिस इज नोन एज स्मूथिंग इफेक्ट ऑफ के, ठीक है। तो ऐसे ही तुमने क्या किया, पूरा जो भी तुम्हारा रेंज था उस रेंज के लिए एक्यूरेसी निकाला, उसको यू फाइंड आउट इट्स वैल्यू, एंड देन यू प्लॉटेड इट एंड यू फाइंड आउट कि किसके लिए बेस्ट आ रहा है, दैट्स इट। तो अगर मैं तुमको एक इम्प्लीमेंटेशन छोटा सा दिखाऊं, मैं एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाना चाहता हूं तुम लोग को, जस्ट टेल मी इफ इट इज विजिबल और नॉट। इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है। सी हमने क्या किया, हमारा डेटा सेट, हमने हमारा जो डेटा सेट था ये विजिबल, हाँ ये विजिबल, हमने अपना डेटा सेट विजिबल लोड किया, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर एंड के फोल्ड, अभी हम देखेंगे के फोल्ड क्या होता है, ठीक है। बेसिकली योर एक्यूरेसी स्कोर, देन यू हैव दिस के नेबर क्लासिफायर, विल यूज इट इन आर के एन एम। हमने अपना डेटा सेट लोड किया, हमने अपना के वैल्यू का रेंज असाइन कर दिया कि आवर रेंज इज 1 to 21, 1 से लेके 20 तक हम के का वैल्यू देखेंगे। यू कैन सी हेयर, कैन एक्चुअली सी, मैं जब इसको इटरेट करूंगा आई विल हैव सम के वैल्यू, एंड व्हेन आई प्लॉट इट आई विल हैव अ प्लॉट समथिंग लाइक दिस, आई हैव अ प्लॉट समथिंग लाइक दिस। अब यू मे एक्चुअली सी कि देर इज दिस पॉइंट समवेयर अराउंड 13 और 13.5 समवेयर अराउंड है, जहां पे तुम्हारा एक्यूरेसी इज वेरी हाई। यू मे चूज दिस पॉइंट, हाँ मैं ये नोटबुक शेयर कर दूंगा, मैं नोटबुक शेयर कर दूंगा, ठीक है। यू कैन हैव 13.5, यहां से आते हैं देखो स्मूथ है, तो यू कैन चूज एनी वैल्यू बिटवीन दिस पीक, ठीक है। एंड यू कैन सी एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 98%, ठीक है। आई विल एक्चुअली हेल्प यू आउट विद दिस, बट एक आइडिया मिला कि हाउ दिस स्कोर स्कोर लुक लाइक नंदिनी, ये आदि, शशांक, देखा, आई टेल यू हाउ ये कैसे हुआ, बट एक आइडिया हमें मिला कि हाउ दिस कर्व्स वैरी, कुछ वैल्यू के लिए के का वैल्यू कम है, कुछ के लिए ज्यादा है, कुछ के लिए मैक्सिमम है, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू आई वॉन्ट एज माई के, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, परफेक्ट।
परफेक्ट परफेक्ट। हाँ चल, नाउ लेट्स डू व्हाट, ये था हमारा इटरेटिव अप्रोच जो तुमने मैंने, अब नाउ लेट्स सी व्हाट दिस, जो तुमने एक टर्म देखा के फोल्ड, वो एक्चुअली क्या होता है। सो द नेक्स्ट टर्म इज क्रॉस वैलिडेशन। बिफोर क्रॉस वैलिडेशन ऐसे समझो, हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में, राइट? देखो हम ये करते हैं, हमारा डेटा है इसका 80% वी यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पस और इसका 20% वी यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस। अब तुमने देखा कि जब हम ट्रेनिंग के साथ टेस्टिंग को यूज करेंगे तो अगर आउटलायर एग्जिस्ट करते हैं उस डेटा सेट में तो मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, करेक्ट? आदि वी डोंट, हाँ दैट इज समथिंग प्योरली यू डिसाइड, बट एक ट्रेंड है 80-20 रूल का। सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू यूज दिस थिंग, दिस सिंपल डिवीजन, व्हाट हैपेंस इज कि इफ यू हैव नॉट चूजन योर के वैल्यू करेक्टली, यू कैन ईदर लीड इट लीड फॉर अंडर ट्रेनिंग और ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग। या तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेट को इतना अच्छा से मेमोराइज कर लेगा मॉडल कि टेस्टिंग सेट में फेल कर जाएगा, या इसका उल्टा होगा, एंड वी डोंट वॉन्ट दैट। ऐसा कोई मॉडल अच्छा लगेगा जो तुम्हारे ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा वर्क किया, टेस्ट कराने जाओ तो फेल कर गया, गलत आउटपुट दे रहा है, आई डोंट वॉन्ट दैट। इसका उल्टा भी नहीं चाहता हूं मैं कि जब तुमने ट्रेनिंग ही सही से नहीं किया तो तुम टेस्टिंग खराब कर दिए मेरा, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट दैट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी एक्चुअली ट्यून आवर के? व्हाट यू वॉन्ट टू ट्यून योर के, व्हाट इज व्हाट, व्हाई डू वी यूज क्रॉस वैलिडेशन? सिंपली टू ट्यून के, एज सिंपल एज दैट, और यू मे यूज इट फॉर अदर हाइपर पैरामीटर्स ऑल्सो। हमको बेस्ट वैल्यू चाहिए, दैट इज व्हाट ट्यूनिंग इज। हाउ डू वी डू इट, लेट्स सी। हम क्या देखो, वील डिस्कस अ वेरी कॉमन क्रॉस वैलिडेशन मेथड विच इज नोन एज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जो तुमने वहां पे एक टर्म देखा के फोल्ड। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, देर इज अदर डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो, यू मे एक्सप्लोर इट आउट, बट आई एम टेलिंग यू द मोस्ट कॉमन वन विच इज नोन एज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड। तो वॉट इट इज, सिंपली देखो, अब देर इज दिस टर्म के फोल्ड, राइट? देर इज दिस टर्म के फोल्ड, अगेन के आ गया, देर हैज टू बी सम नंबर्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इज, तुम्हारा जो डेटा सेट है, लेट्स से दिस इज योर डेटा सेट, ठीक है? दिस इज योर डेटा सेट, दिस इज योर एंटायर डेटा सेट, ठीक है? अब व्हाट यू विल डू इज यू विल सिंपली से कि आई विल सिंपली डिवाइड दिस डेटा सेट इनटू के डिविजन्स और के फोल्ड्स। लेट्स से दिस आर योर के डिविजन्स, व्हाट आई सेड कि लेट अस हैव के डिविजन्स, मैंने डेटा सेट को के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब देर इज अ कॉमन वे कि तुम ट्रेनिंग डेटा सेट को ही डिवाइड कर दिए, देर इज अ कॉमन वे कि तुम्हारा जो भी ट्रेनिंग डेटा सेट है, लेट्स से दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा एक्स ट्रेन, इसको तुम के डिविजन्स में डिवाइड कर दिए। अब तुम क्या करोगे कि जो तुम्हारा के माइनस वन डिविजन है, तुम्हारा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, के माइनस वन डिवीजन, राइट? के माइनस वन डिवीजन
इस के माइनस वन डिवीजन से तुम एक्चुअल ट्रेनिंग करोगे मॉडल का, दिस पार्ट विल गो फॉर एक्चुअल ट्रेनिंग। के माइनस वन डिवीजन से यूल गो फॉर ट्रेनिंग, और जो लास्ट एक डिवीजन बचा तुम्हारे पास, यू हैव दिस वन डिवीजन लेफ्ट राइट नंदिनी आदि शशांक, एक डिवीजन बचा हुआ है तुम्हारे पास, एक पार्ट, इस पार्ट को तुम यूज करोगे टेस्टिंग में। दिस पार्ट वन पार्ट विल गो फॉर टेस्टिंग एंड यू विल डू इट टिल के टाइम्स, यू विल यूज दिस सेम अप्रोच फॉर के टाइम्स। अब इससे क्या होगा, कभी टेस्ट, क्योंकि ये रैंडमली होगा, ये एक पार्ट हमेशा लास्ट का जरूरी नहीं, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां कहीं से भी निकल सकता है, कोई भी एक पार्ट। तो जब तुम इसको के टाइम मल्टीपल टाइम करोगे तो तुम्हारा जो केस, ये जो ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग का आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा, खत्म इन द सेंस कि बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो सकता बट वो रिड्यूस हो जाएगा बहुत हद तक। ठीक है, समझ में आया ये पार्ट, क्रॉस वैलिडेशन आदि नंदिनी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर आदि को? नहीं समझ में एक आया, बार फिर बता देना एक मतलब बार। देखो देखो मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, एक मिनट दो मेरे, देखो इसको ऐसे समझो, जब जैसे मम्मी लोग घर में, अब तो प्रचलन खत्म ही हो गया, बट हम लोग कपड़ा धोते हैं राइट, ठीक है, कपड़ा धोते हैं हम लोग हाथ से, तो हाथ से तुम क्या करते हो, तुम पूरे कपड़ा के ढेर को शफलिंग करते हो स्टार्टिंग में, जब हम डिटर्जेंट डाल देते हैं, सोक कर रहे होते हैं, तो हम उसको शफल करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो मेरे हर एक कपड़े में जो भी डिटर्जेंट है वो अच्छे से लग जाएगा, हो सकता है वो अच्छे से उतना अच्छे से नहीं लगा हो, बट जब हम बहुत बार करते हैं तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि सब में अच्छा से डिटर्जेंट लग जाए, और जब एक बार में अच्छा से डिटर्जेंट लग जाएगा देन यू आर अश्योर्ड कि हाँ अब मेरा कपड़ा अच्छे से धुला जाएगा। वी आर यूजिंग सेम थिंग, कि तुमने क्या किया कि तुम्हारे पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट था क्या था, ट्रेनिंग डेटा सेट, इसको क्या किया तुमने, कुछ नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, कुछ तुमने नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिविजन में डिवाइड किया, दैट इज समथिंग यू यू डिसाइड। तो दीज आर योर के फोल्ड्स और के डिविजन्स, ठीक है आदि, एंड दीज आर इक्वली स्पेस, ये इक्वल होते हैं, लेट्स से अगर पांच डेट, पांच पार्ट यहाँ हो गया तो पांच सब में पांच ही जाएगा, पांच डेटा पहले डिवीजन में गया तो पांच सेकंड में, ऐसे समथिंग लाइक दिस, दे आर इक्वली स्पेस्ड, चल परफेक्ट डेटा सेट समथिंग लाइक दिस। चल नाउ व्हाट हैपेंस इज, आदि तुमने देखा कि अगर एक आउटलायर आ जा रहा है जिसका मैं, मेरा पूरा डेटा सेट खराब हो जा रहा है राइट राइट, एक आउटलायर के कारण तुम्हारा पूरा एक्यूरेसी खराब हो जा रहा है मॉडल का। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला कि एक काम करो संजय, के माइनस वन जो डेटा सेट है तुम्हारा, ठीक है, इसको यूज करो ट्रेनिंग पर्पस से, ठीक है, और जो एक बच गया दैट इज यू आर लेफ्ट विथ वन वन डिविजन, इसको यूज करो टेस्टिंग में, इसको यूज करो टेस्टिंग में, एंड यू यू डू इट, डू दिस स्टेप, यही जो सेम डिविजन करके देन अगेन यू पिक आउट वन, उस पर तुम टेस्ट करो, यू गेट सम एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारा जो मॉडल है इट विल गिव यू अ वेरी नाइस के वैल्यू, दिस इज नोन एज क्रॉस वैलिडेशन। अभी जो मैंने लास्ट तुम लोग को दिखाया, ये यू मे सी हेयर, एक्चुअली टू एंड सी हेयर, हमने देखो यही किया है, वी हैव यूज दिस के फोल्ड, वी हैव यूज दिस के, रुको मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा,
वी हैव यूज्ड दिस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड एंड हमने क्या किया कि हमने डेटा सेट को 5 डिविजन्स में तोड़ रखा है और हमने रैंडमली शफलिंग कर दिया है. एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, फिर हमने क्या किया कि एक लिस्ट बनाया जिसमें हम लोग सारे क्रॉस वैलिडेशन स्कोर हम पुट करेंगे. क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या है कि जो हमारा जो लास्ट टेस्टिंग सेट बचा था मेरे पास उसको जब मैंने टेस्ट किया था मेरा एक्यूरेसी स्कोर कितना आया. तो वी विल यूज दिस क्रॉस वैल स्कोर. इसका मैं डॉक्यूमेंटेशन तुमको दिखा देता हूं, एक मिनट. क्रॉस वैलिडेशन स्कोर एस्केलर. संजय, शफलिंग का क्या मतलब है और रैंडमली शफलिंग का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल पहले वाले डिवीजन में लेट्स से डेटा सेट के ऊपर से लेके 10 पार्ट आ रहे थे, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम में कुछ और आएंगे. पहला 3 आया, फिर दूसरे कहीं और कहीं से मिलके, समझ रहे हो? अगर अगर पहले डिवीजन में 10 डेटा पॉइंट आने चाहिए थे, पहला 2 इधर से आ गया, दूसरा 2 उधर से आ गया, एक कहीं से आ गया. Random, you are picking up random 10 values and putting it in one division. This is what random means. See, let me share this tab. So you have this cross val score to get all the values. The first thing you can see, first parameter is your estimator. भैया हमको estimate करना है तो हम किस पे estimate करेंगे? I want something. You can see here. This estimator is your KNN model. भैया हम KNN पे ही ना हम वर्क करेंगे. जस्ट टेल मी, वील वर्क ऑन KNN ओनली. करेक्ट करेक्ट, प्रिटी लाइक. यहाँ पे KNN क्या है? दिस इज अ वेरिएबल विच हैज दिस मॉडल K नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर और उसके पास कुछ K वैल्यूज जो हम असाइन करेंगे. चलो, हमने क्या किया कि वी हैव दिस स्कोर वेरिएबल और उसमें हमने क्रॉस वैल्यू स्कोर हमने लिया किसका? KNN मॉडल का, जो हमारा एस्टिमेटर है. हमारे पास कुछ एक्स वैल्यू है और कुछ वाई वैल्यूज है. नाउ लेट्स सी व्हाट दिस सीवी इज. यू मे सी हियर दिस सीवी स्टैंड्स फॉर क्रॉस वैलिडेशन जनरेटर. और व्हाट डज इट डू? यू मे सी हियर, इट सिंपली डिटरमाइंस द क्रॉस वैलिडेशन स्प्लिटिंग स्ट्रेटजी. किस स्ट्रेटजी पे तुम इसको स्प्लिट कर रहे हो? जैसे एक होता है स्टार्टिफाइड के फोल्ड, एक होता है के फोल्ड सिंपल के फोल्ड. तुम कुछ नहीं करोगे तो इट विल हैव अ 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. इट विल टेक नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल्स टू 5 एंड इट विल परफॉर्म द क्रॉस वैलिडेशन. सो 5 बार डिविजन, 5 डिविजन करेगा जिसमें से 4 डिविजन के साथ टेस्टिंग करेगा, एक डिविजन के साथ, सॉरी, 4 डिविजन के साथ ट्रेनिंग करेगा, एक डिविजन के साथ टेस्टिंग करेगा और ये स्टेप 5 बार होगा. अगर तुम कुछ अलग से असाइन कर देते हो देन इट विल वर्क. लाइक सी, यू मे सी हियर, हमने के फोल्ड यूज किया. यू मे ऑल्सो यूज स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड. दैट इज समथिंग आई एम गिविंग यू एज होमवर्क कि तुम पढ़ो क्या होता है ये. एंड देन यू कैन हैव अ स्कोरिंग एट्रीब्यूट हियर. कहाँ गया स्कोरिंग? So what it does, it simply give you a, it will simply returns you a value. जो तुम्हारा actual cross validation के बाद आया होगा. For example, if you could see here, your scoring should be the accuracy and you only want to get accuracy and you want to store it in this variable score. Is it clear? अब फिर लास्ट में तुम एक एक करके सब में उस वैल्यू को अपेंड कर दिए. यू कैन हैव दिस लिस्ट इफ यू वांट टू प्रिंट इट. आई कैन प्रिंट इट हियर. ओप्स, अच्छा, वी आर रनिंग इट अगेन. कोई बात. सो द ऑप्टिमल नंबर ऑफ नेबर इज के. यू हैव समथिंग लाइक दिस. तुमने क्या किया, इस लिस्ट में जो भी स्टोर किया था उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाला, तुमने उसको पुट कर दिया. एज सिंपल एज दैट, नथिंग आउट ऑफ द माइंड. सो आई अज्यूम कि थोड़ा सा आइडिया मिला होगा व्हाट दिस क्रॉस वैलिडेशन इज. थोड़ा सा आइडिया मिला होगा तुम लोग को क्यों हम
यूज करते हैं इसको, बिकॉज डाउन द लाइन व्हाट वी वांट टू गेट अ गुड वैल्यू ऑफ के, दैट्स इट. हमारा के सही होगा, हमारा मॉडल अच्छे से रन कर जाएगा. सो आई अज्यूम कि ये पार्ट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तो शुड वी मूव थोड़ा सा आगे. Now let's do what? Let's build a implementation part. Let's build an implementation part. Just a second. Let me actually get the values. तब तक के लिए कोई query है किसी को? कोई query? Let me store my data set. दो डेटा सेट है, मेरे को याद नहीं है कौन सा किसके लिए है, बट चलो ठीक है, विल सी. विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल इम्पोर्ट ऑल दी नेसेसरी स्टफ्स. इम्पोर्ट numpy एज एनपी. मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मेरे को खुद विजिबल नहीं है तो तुम लोगों को क्या विजिबल होगा. परफेक्ट, we'll get all the values. Chalo. Now let's do what? Let's read our data set. So let me have df is equals to pd dot read, pd dot read csv, and then we'll pass on the actual value, actual relative address. Copy path, I'll paste it here. Now I'm good to go. Let's run this. PD is not defined. Oh, we have it. Run this. Now let's see ki what do we have it in our data set. df dot head. You may see you have a data set which looks something like ID. You have some diagnosis, you have this radius. So basically this data set is for breast cancer. This data set is for breast cancer. Data set for breast cancer. So tumhare paas kuch features hai regarding your breast, like concavity, smoothness, compactness, texture, something like this. Okay? You have this fractional dimension, something like this. These are all your features. Okay? Now what we want is our data set kuch aisa dikhta hai. Ab obviously you can just use your intuition and say ki Finjay, hamara data set mein is ID ka kuch kaam nahi hai. Right? Nandini, Adi? हमारे पास इस आईडी का कुछ काम नहीं है. और देखते हैं और कुछ ऐसा है तो इस फील्ड को ड्रॉप कर देंगे. हाँ, वी विल ड्रॉप इट. और देखते हैं और कुछ है. चलो तो व्हाट आई सेड कि चलो एक काम करो संजय, ऐसा करो कि ड्रॉप करो df डॉट ड्रॉप, एंड देन what do you want to drop? You want to drop this axe, you want to drop this entire column equals to, let's say I want to drop this id small me. Chalo aur kuch hai kya, kuch hai is data set mein? Columns. Okay, these are the different columns. उसमें कुछ ऐसा देख लेते हैं, कुछ ऐसा है तो नहीं जो हमारे काम का नहीं है. वो तुमको ये, हाँ, unnamed 32. I don't want this. भाई इसका क्या करूँगा मैं? Unnamed 32. Let's see इस कॉलम के रिगार्डिंग हमारे पास कौन सा डेटा है. df dot.
ओ वी डोंट वांट दिस नैन, हम इसको ड्रॉप कर दे, काम करते हैं इसको भी ड्रॉप कर देते हैं, कोई दिक्कत किसी को? एंड वील कीप द डेटा सेट एज इट इज इन प्लेस इज इक्वल्स टू टू, ड्रॉप इट एंड देन लेट्स सी कि हमारा डेटा सेट कैसा दिखता है। परफेक्ट, नाउ ये डेटा सेट लुक्स बिट बेटर बिकॉज अननेम 32 यू कैन सी दिस इज अ नॉट अ नंबर वैल्यूज एंड डेफिनेटली आई डोंट वॉन्ट दैट, एज सिंपल एज दैट। कुछ ऐसा वैल्यूज हम नहीं चाहते अपने डेटा सेट में। परफेक्ट, अब आओ नाउ सिंस वी हैव ड्रॉप्ड ऑल आवर वैल्यूज लेट अस सी कि हमारा डेटा सेट कितने वैल्यूज को होल्ड करता है। सो वी कैन हैव डीएफ डीएफ डॉट शेप, यू कैन सी दिस डेटा सेट कंटेन्स 31 फीचर्स और 31 कॉलम्स एंड 560। थोड़ा हाँ बोलो, ऊपर ये चाहिए था तुमको? कर, हाँ तो यू कैन सी देर आर 569 रोज एंड 31 कॉलम्स, ठीक है? देर आर सम 569 रोज एंड 31 कॉलम्स। देन लेट्स डू व्हाट, जो हमने अभी तक बेसिकली हमने सीखा कि संजय विल डू व्हाट, विल सिंपली बिल्ड विल सिंपली डू व्हाट, विल सिंपली स्प्लिट दिस डेटा सेट, विल सिंपली स्प्लिट दिस डेटा सेट। अब तुमने देखा जब हम स्प्लिट करते तो देर इज सम काइंड ऑफ एक्यूरेसी विच ड्रॉप्स डाउन, ठीक है? हम अभी के लिए अज्यूम करते कि वो एक्यूरेसी ड्रॉप को हम ले लेंगे, बट लेट मी मीन वाइल ऑल्सो टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम यहाँ देखेंगे, जो अभी मैं तुमको 1 सेकेंड में एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन समथिंग लाइक दिस, इमेजिन समथिंग लाइक दिस दैट योर डेटा सेट, लेट से यू हैव दिस फीचर X1, यू हैव दिस फीचर X2, एंड लेट अस से यू हैव सम आउटपुट। तुमको मैंने स्केलिंग बताया था, लेट से इफ योर फर्स्ट फीचर इज समवेयर डाउन द लेन 1400, 14000, 15000, 16000, समथिंग लाइक दिस, एंड योर X2 इज 765, समथिंग लाइक दिस। अब तुमको मैंने बताया था जब तुम इसको प्लॉट करोगे इस दोनों फीचर को, तो दीज आर नॉट प्रपोर्शनल, ये सेम स्केल में नहीं है। जितना डिस्टेंस तुम 6 7 जाने में ट्रेवर्स करोगे उतना 14000 से 14500 या 14600 जमे जाने में नहीं है। लेट अस से आई हैव अ वैल्यू 14000, 14700, जस्ट टेल मी कि अगर मैं 7 से 6 जाऊंगा तो जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं दैट इज नॉट इक्वल टू 14 से 14700। आई एम नॉट गोइंग दी सेम डिस्टेंस, स्केल वाइज, स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ, सेम स्केल पे मैं डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ। एंड सिंस इट इज अ डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम, हमारा डिस्टेंस में कुछ दिक्कत आ जाएगा। दिस फीचर विल ओवर पावर, X1 विल ओवर पावर। तो तुमको मैंने बताया था देर इज वन मेथड, स्केलिंग हम यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर स्केलिंग, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, राइट? स्टैंडर्ड फीचर स्केलिंग हम क्या करेंगे, इसको भी हम ड्रॉप डाउन करेंगे सेम स्केल में, ताकि क्या हो कि जितना हम डिस्टेंस 7 से 6 जाने में ट्रेवर्स कर रहे हैं उतना ही डिस्टेंस हम यहां ट्रेवर्स करें, राइट? क्लियर? आया नंदिनी समझ में? चलो इसको मैंने क्योंकि सिखा रखा है तो आई विल सिंपली इंप्लीमेंट इट हेयर। परफेक्ट, सो लेट्स डू व्हाट, आई कुड शो यू दिस स्टैंडर्ड स्केलर, यू गेट इट इन प्री प्रोसेसिंग, आई हैव टू सर्च प्री प्रोसेसिंग, यू मे यूज प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पे देर आर डिफरेंट लाइक मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर, बिन मैक्स, वन हॉट इनकोडर, बहुत सारे हैं, यू मे यूज एनी वन, आई सिंपली यूज स्टैंडर्ड स्केलर।
ठीक है, विल इम्पोर्ट दिस फर्स्ट, सबसे पहले विल इम्पोर्ट इट इन आवर नोटबुक. नाउ व्हाट विल डू, विल 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 परफॉर्म फीचर स्केलिंग. हाउ डू वी डू इट, सिंपली फर्स्ट हमने स्टैंडर्ड स्केलर इम्पोर्ट किया, ठीक है. नाउ लेट्स डू व्हाट, लेट्स बिल्ड अ स्केलर फंक्शन. स्केलर फंक्शन यू मे सी, इफ यू कैन सी द टैब हियर, जस्ट अ सेकेंड, क्या इशू आ रहा है. इफ यू कुड सी हियर, देयर हैज टू बी अ स्केलर फंक्शन. चलो इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने डेटा सेट में. चलो दिस इज ऑल्सो डन. नाउ लेट्स डू वॉट, वील यूज दिस ट्रांसफॉर्म फंक्शन फॉर एक्स, ठीक है. We'll use it, no issues. चलो इसको यूज करते हैं. There is this transform function. What it does? It simply perform standardization by centering and scaling. ये part मैंने already discuss कर रखा है तुम लोगों के साथ. Last जो हमारा feature scaling का lecture था उसमें, ठीक है. What I'll do? I'll have a variable x train. And in this I'll use scalar dot fit, because I'm gonna fit it, and there is this fit transform. I'll simply use it, and what I'll say, there is you have to split your data set. So chalo pehle split bhi kar dete hain, just a second, we'll split the data set. So from sklearn dot model selection we'll simply use it. Now what we'll do, we'll simply x train y train जो हम करते थे, we'll simply use this. There is no need to drop all these things. We'll have this x train variable, y train variable. ठीक है. Perfect. In place of this, what I want, df dot. अब जरा यहाँ से जरा ध्यान से देखोगे, your training data is what. If you could see from here, all the columns from the first, all the, you may see, so this is your mm only, no issues. यहां से लेके last से एक कम, something like this, ठीक है. So पहले column से लेके last column तक everything is our feature, right? Nandini, Adi, Shashank, ये पहला अगर डायग्नोसिस छोड़ दो तो यहां से लेके जितना सारे कॉलम थे, दैट इज ऑल आवर फीचर. तो ठीक है, विल यूज इट. सो मैंने तुमको बताया हाउ डू वी यूज आईलॉग फंक्शन. सो आवर आईलॉग फंक्शन सेज टेक ऑल द रोज, टेक फर्स्ट कॉलम एंड यू डू इट टिल लास्ट. तो दिस इज योर एक्स वैल्यू. नाउ लेट्स डू इट फॉर वाई वैल्यू. तो माई वाई वैल्यू इज वॉट, माई फर्स्ट कॉलम की डायग्नोसिस कि तुम्हारा उस पर्टिकुलर पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, दैट इज व्हाट एम, एंड देयर इज अनदर क्लास व्हिच विल टेल यू. तो दिस इज योर फर्स्ट, और यू मे से दिस इज अ कॉलम विद इंडेक्स जीरो. सो आई विल यूज सेम थिंग, df डॉट iloc, ऑल द रोज, गो फॉर ऑल द रोज एंड डू व्हाट, ओनली टेक द फर्स्ट कॉलम. माई टेस्ट साइज इज, चलो ठीक है, 0.2, रैंडम स्टेट 0. चलो लेट मी रिमूव दिस रैंडम स्टेट, नो इशू. और इफ यू वांट टू पुट इट, यू मे पुट समथिंग टू, कोई दिक्कत नहीं. मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये विजिबल है. हाँ, ये विजिबल. चलो इफ आई डू इट, you have actually split your data set, and if you want to see, you may actually see. If I want to see x train, mein dekhte hain kya aata hai hamara. Let's see x train dot head, hamara data set kaisa dikhta hai. See clearly here, jitne bhi feature the index number 1 column se sare tumne le rakhe hain, sare tumne le liye.
go for testing. If you wanna see for test, you may see if that is something purely तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यू में सी ऑल, अब यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज है 700, 800, 1600 के रेंज में, कुछ वैल्यू है 0.12 के रेंज में, राइट आदि नंदिनी? कुछ वैल्यूज है 0.08 के रेंज में, कुछ वैल्यूज है 1600 के रेंज में, कुछ है 32 के रेंज में। सो पूरा खिचड़ी हुआ हुआ है यहाँ पे, पूरा खिचड़ी हुआ हुआ है। तो लेट्स स्केल इट, लेट्स स्केल दिस फंक्शन। सो मैंने क्या कहा कि व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज दिस ट्रांसफॉर्म फंक्शन, एंड जो भी हमारा ट्रेनिंग ट्रेनिंग वैल्यू है हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। एक्स रेंज हमारा आया है, हम इसको सिंपली आई विल पुट इट हियर। ऐसे हम टेस्टिंग के लिए भी करेंगे। इफ यू कुड सी कंट्रोल एम बी, लेट्स सी एक्स टेस्ट डॉट हेड, लेट्स सी हाउ आर टेस्टिंग डेटा लुक्स लाइक। अब यहाँ पे भी देखो देर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ स्केल, यहाँ यहाँ 14-15 में काम हो गया, यहाँ 27 में काम हो गया, यहाँ 1,2700 के रेंज में, यहाँ 600 1,000 के रेंज में वर्क हो रहा है, यहाँ पे फिर से कम हो गया, पूरा स्केल बिगड़ा हुआ है इस पूरे डेटा सेट का। तो चलो इसको एक स्केल में कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हैं। I'll do it for x test also. I'll simply say scale dot fit transform. No, I don't wanna fit it. I wanna transform it only. Fit हम क्यों करेंगे भाई? If you could see here, what fit does? कि it only calculate the mean and standard deviation, and you may use it for later scaling. What fit transform does? इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट फिट्स द डेटा एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स इट, एज सिंपल एज दैट। शो यू हियर, लेट्स परफेक्ट। नाउ लेट्स सी हाउ आवर डेटा सेट लुक्स लाइक। सो यू मे हैव एक्स ट्रेन, सी हाउ डज इट एक्स ट्रेन लुक्स लाइक, परफेक्ट। ओ इट इज अ नंपाई आर, फाइन लेट मी प्रिंट इट, वी कैन गेट अ बेटर वे ऑफ सीइंग इट। तो यू मे सी यू हैव नाउ मेड सम चेंजेस, सम स्केल चेंजेस, जिससे तुम्हारा डेटा इज समवेयर डाउन द लाइन इन अ स्केल। अब कहा 1000-2000 तक डेटा जा रहा था, अब देखो 1-1 पॉइंट के रेंज में ही निपट जा रहा है डेटा, राइट right? इज इट क्लियर आदि नंदिनी? शशांक दिख रहा है? अब देखो डेटा सेट 0.11 इस रेंज में आ गया, परफेक्ट। तो नाउ लेट्स डू व्हाट, नाउ लेट्स एक्चुअली परफॉर्म आवर के एन एन। सो इट वुड बी इन sklearn डॉट नेबर्स, sklearn डॉट नेबर, नेबर एन नीचे गया। हाँ इफ यू कुड सी हियर sklearn डॉट नेबर, यू कैन हैव ऑल दीज डिफरेंट नेबर क्लासीफायर लाइक बॉल ट्री, केडी ट्री, कैन एन नेबरहुड क्लासीफायर, कैन एन नेबरहुड रिग्रेसर, यही दो बेसिकली हम यूज करेंगे। वील गो विथ क्लासीफायर बिकॉज वी आर डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। So there is this KNN classic classifier. What parameters it does? सबसे पहले n neighbors. कितने neighbors आसपास defined होंगे? ये तुम बताओगे. That is something you will tell. Then there is this weights. Like there is this weight function जो तो हम use करते हैं. Because कभी-कभी हमें dimensionality का भी issue आता है. उसके लिए भी हम कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम नहीं चाहते ऐसा, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी भी मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए मानो कि वेट इज व्हाट, कि कुछ जो फीचर जो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक तुमने आउटलायर के प्रॉब्लम में देखा कि एक पॉइंट के कारण सारा खराब हो गया, अगर मैं उस पॉइंट का वेटेज कम कर दूं, इट मेक सेंस नाउ। देन एल्गोरिदम, देर इज दिस बॉल ट्री एल्गोरिदम, केडी ट्री समथिंग, लाइक
How do you want to calculate the nearest neighbor? You may use ball tree algorithm, you may use KD3, something like that. Leaf size, these are all your different attributes. Now let me actually go and import this thing. From sklearn.neighbor, import knn k neighborhood classifier. I'll simply copy it out. And I'll build model now. From sklearn.neighbors, get me this thing. And I'll say ki my KNN is this thing. K neighborhood classifier. Let us take our neighborhood as 3 only. Let us take it for 3 only. Okay. Perfect. Let's fit our model. So yeah, as you have seen, there is always this fit function. There is always this fit function which will fit our data in this particular model. So I'll use knn.fit. I'll have x train and I'll map it to my y train. As simple as that. So now your model is ready. हमने तीन के लिए किया है, ठीक है? I'll give you a homework. मैं एक तुमको एक sample दूंगा, एक sample notebook जिसमें मैंने ये iteration करके दिखाया है, ठीक है? I'll give you that. Now I want you to use that approach in this notebook, in this program. So now we have our model, ठीक है? Our model is ready. Let us get its accuracy. To get its accuracy, you have always this sklearn.metrix. You may have accuracy score. Isko bhi import kar lete hai. Let us get the accuracy. Use it here only. Oops. Let's get this accuracy. So what I say, ek kaam karo mere liye. कि जितने भी प्रिडिक्शन है, जितने भी तुम्हारे प्रिडिक्शन वैल्यू है वो निकाल के दो मेरे को. तो प्रिडिक्शन के लिए तुमको यू नीड दिस वैल्यू प्रिडिक्शन, बट यू डोंट हैव इट राइट नाउ. तो लेट्स बिल्ड अ प्रिडिक्शन वैल्यू. तो आई विल से y अंडरस्कोर थ्रेड इज इक्वल्स टू knn डॉट प्रिडिक्ट, बिकॉज यू कैन ऑलवेज गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन में एक फिट प्रिडिक्ट फंक्शन होता है जो तुम्हारे जो x एट्रीब्यूट होंगे उसके लिए प्रिडिक्ट करके तुमको दे देगा. सो आई वांट टू डू इट फॉर x टेस्ट एंड आई वांट टू प्रिंट इट्स एक्यूरेसी स्कोर. ठीक है, हमारे पास एक ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए हमारे पास वैल्यू पड़ा हुआ है, उसके कंपैरिजन में हम प्रिडिक्शन जो हमने किया उसको टेस्ट करते हैं. तो यू हैव अ प्रिटी हाई एक्यूरेसी ऑफ 99.1%. If I multiply it by 100, तुम लोगों को दिख जाएगा. You have accuracy of 99.12280 something like that. बहुत high accuracy. Like if you have 100 data set, तुम 99 times सही होगे. 99 time you will be correct. So now let's do what? कि चलो मैं तुम लोगों को print करके दिखाई देता हूँ. चलो छोड़ो. Print करके दिखाई देता हूँ. What I'll say? Let me have my active scores. Let me initialize the list. Now, अब तुम क्या करते हो? Let us do what? Let us say for I in range. एक से लेके let us do it for 15 values. Let us do it for 15 values. What you'll do? कि एक काम करो श्रेंजे, KNN निकालो हर एक मॉडल के लिए. वही डेटा सेट रहेगा लेकिन अब के वैरी करेगा, तो के वैरी करेगा तो उसका एक्यूरेसी भी वैरी करेगा. लेट्स प्लॉट इट. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये काम करो संजय, कि तुमने जो ये काम किया है यहाँ पे, ये जो काम किया है इसको फिर से करो. बट दिस टाइम डोंट डू इट फॉर k इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 3, डू इट फॉर n इज इक्वल्स टू i. जो i वैल्यू आएगा उसके लिए हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिट करेंगे उसमें. We'll get this prediction. And what I'll say,
कि तुम्हारा जो भी एक्यूरेसी स्कोर आया है उसको अपेंड कर दो। पटेल सेज कि तुमने जो ये रखा हुआ है एक्यूरेसी स्कोर, इसमें अपेंड कर देंगे, विल अपेंड इट आउट। इसमें आई विल सिंपली अपेंड इट, डॉट अपेंड, आई विल सिंपली अपेंड, क्रिएट, कंट्रोल सी, वी विल अपेंड दीज ऑल वैल्यूज एंड विल डू व्हाट, विल सिंपली प्रिंट इट। ठीक है, लेट मी रन दिस। तो इफ यू वांट टू सी कि तुम्हारा कैसा है, कैन हैव प्रिंट एक्यू। तो देखो ऐसे ऐसे यू विल हैव 95%, 97%, 99%, समथिंग लाइक दिस। चलो लेट्स डू व्हाट, लेट्स प्लॉट दिस थिंग, लेट अस प्लॉट दिस थिंग। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। सो व्हाट आई से कि एक काम करो, सबसे पहले तो इंपोर्ट करो मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज लेट्स से PLT। ठीक है, सो व्हाट आई से कि एक काम करो PLT डॉट प्लॉट एंड माई एक्स वैल्यू शुड बी, हमने एक्स क्या रखा है यहाँ पे, रेंज 1 to 6। ठीक है, विल यूज द सेम। एक सिर्फ इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब भी तो होता है ना, वो क्या होता है? इम्पोर्ट, देखो मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर पाइपलॉट एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और भी इसके अलावा भी दूसरे मैटप्लॉटलिब के अंदर इंटरफेसेस हैं। ओके हाँ, एंड विल प्रिंट दिस एक्यू स्कोर। ठीक है, हम हमारा एक्स लेबल वाई लेबल मैंने ऐड कर दिया। चलो लेट्स सी हाउ डज आर, तो यू मे सी देर इज अ वैल्यू, लेट मी हैव अ ग्रिड, PLT डॉट ग्रिड ट्रू, तो क्लियरली यू मे सी कि जब k का वैल्यू 3 है तो उसके लिए सबसे हाई एक्यूरेसी है, राइट? दिख रहा है नंदिनी, आदि, शशांक, के का वैल्यू 3 है तो तुम्हारा 99 से ऊपर एक्यूरेसी है सर। या उसको रुको ना, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इजी रहेगा। चलो इधर देखो, योर एक्यूरेसी इज इन परसेंटेज, तो यू मे सी हेयर, जब तुम्हारा के का वैल्यू थ्री आवाज कट है। रही है। आवाज क्लियर नहीं है नंदिनी, इज माई ऑडियो क्लियर? तब शशांक के साथ तुम्हारे साइड से यस, अभी क्लियर। परफेक्ट 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 परफेक्ट, मेरे नेटवर्क में कुछ एरर हो गया था। चलो यहाँ पे यू मे सी कि वेन योर के वैल्यू इज 3, यू हैव अ वेरी हाई एक्यूरेसी। ठीक है, और बाकी सब के वैल्यू के लिए योर एक्यूरेसी इज वेरी लेस। ठीक है, सो अगर मेरे को मॉडल रन करना होगा तो आई कैन सिंपली से क्या, रन इट फॉर के नेबर इज इक्वल्स टू 3, जैसे मैंने यहाँ पे किया। यू मे हैव सम अदर अदर वैल्यू, यू मे से यू मे गो फॉर सम अदर वैल्यूज। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट के, दिस इज हाउ वी क्रॉस वैलिडेट, दिस इज हाउ वी बिल्ड आवर मॉडल। इज इट क्लियर आदि नंदिनी? परफेक्ट, बस मेरे को 1 मिनट दो, मैं एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा, मैं एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा विच इज नोन एज डायमेंशनैलिटी प्रॉब्लम। बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट लगेगा बस मेरे को। अभी तक तुम लोगों ने देखा जब हमको क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन करना था, द मोर फीचर वी हैव द बेटर इट्स आउटपुट वॉज, राइट? जितने ज्यादा फीचर होंगे मेरे को डेटा उतना अच्छा क्लियर होगा और मेरा एक्यूरेसी वैसे ही हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ एज कैटेगरी एंड देर इज दिस कैटेगरी, वेदर दिस आउटपुट इज कि क्या बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है या नहीं, सो क्या इसमें एक्यूरेसी हाई रहेगा? कि इफ यू हैव ओनली वन इनपुट दैट इज योर एज एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट वेदर दिस पर्सन हैज बीन प्लेस्ड और नॉट,
यस और नो, क्या इसमें एक्यूरेसी हाई रहेगा, अच्छा रहेगा सिर्फ एक फीचर पे? नंदिनी, आदि, शशांक, सिर्फ एक फीचर पे तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे अच्छे से कि तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा होगा या नहीं? नहीं ना। सो लेट अस से वी हैव अनदर फीचर, नहीं वी हैव अनदर फीचर जहां पे मैं तुम्हारा सीजीपीए भी इंक्लूड कर दिया। अब पहले वाले से बेटर है, राइट? प्लेसमेंट होगा या नहीं, यस और नो? अब पहले वाले से बेटर है। मैं एक और एक फीचर ला दिया, लेट से कि तुमने इंटर्नशिप कर रखा है या नहीं, ठीक है? इंटर्नशिप तुमने किया है या नहीं, यस और नो? अब मेरे को बता, अब एक्यूरेसी और हाई होगा कि तुम्हारा प्लेसमेंट होगा या नहीं? सो आई कैन से, आई कैन हैव अ जनरलाइजेशन दैट योर एक्यूरेसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ फीचर्स। जितने ज्यादा फीचर्स रहते हैं उतने ज्यादा तुम्हारा एक्यूरेसी हाई रहता है। बट देर इज वन प्रॉब्लम विथ के एन एन। के एन एन के साथ एक प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। इट इज नोन एज कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। व्हाट हैपेंस इज कैनन में अगर तुम नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी घटने लगेगा। कैनन के साथ क्या दिक्कत है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ते हैं इनपुट के, इट परफॉर्म्स इवन वर्स। बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि कोई फीचर किसी से ज्यादा ओवर पावर कर जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो फीचर को रिलेटेड है तो एक ही फीचर, टेक्निकली तुमने एक ही फीचर एक बार और यूज कर लिया अगर दोनों हाईली कोरिलेटेड है तो, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस इज दैट इन केएनएन ग्रेटर इनपुट डायमेंशन, ऐसा ही वन होता है ना, विल लीड टू पुअर एक्यूरेसी। तुम्हारा प्रिडिक्शन सही नहीं होगा इस केस में। इट विल लीड टू पुअर एक्यूरेसी। तो नाउ यू मे आस्क संजय, हाउ कैन आई फिक्स इट? इसको फिक्स करने का दो तरीका है। वन इज, जैसे तुमने देखा था, देर इज वन वेटेड डिस्टेंस। एनएन पूरा पूरा अपोजिट चल रहा है पहले जैसे हम लोग करते थे जितना लाइक क्या केएनएन थोड़ा सा अलग है? पहले। हाँ अलग इसलिए कि यहाँ पे डिस्टेंस आ जा रहा है, यहाँ पे एक डिस्टेंस आ जा रहा है और वो सारा खेल खराब कर दे रहा है मेरा। मैं सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पे जज कर रहा हूं, मैं तुमको सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पे जज कर रहा हूं। दैट इज द होल प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल यू मे सी हेयर, अगर मैं तुमको एक एग्जाम्पल दिया था आउटलायर का, एक आउटलायर अगर गलत क्लास में है तो उसके कारण मेरा इनपुट भी गलत, इनपुट का जो मैं टारगेट टारगेट वैल्यू है उसका भी प्रेडिक्शन गलत निकल गया जस्ट बिकॉज इट वॉज नियर टू सम आउटलायर। सो अगर ऐसा हो कि मैं इस आउटलायर का इंपॉर्टेंस कम कर दूं, अगर मैं इस आउटलायर का इंपॉर्टेंस कम कर दूं तो हो सकता है। तो एसेंशियली हम क्या करते हैं, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमने क्या किया कि हमने डिस्टेंस जो निकाला है ना, हमने डिस्टेंस ये निकाला है रूट अंडर एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। ऐसे हमने निकाला है, ऐसे तुम वाई के लिए भी कर सकते हो। एम वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई का स्क्वायर, दिस इज वॉट यू आर कैलकुलेटिंग। ये हम ऐसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर। तुम क्या कर सकते हो, यू मे इंक्लूड वन वेट डब्ल्यू आई, यू मे हैव दिस डब्ल्यू आई वेट। इससे क्या होगा, यू मे अगर अगर लेट्स से कोई डिस्टेंस आ रहा होगा समथिंग डी वन, अगर इसका वेट मैं जीरो रख दूं
इसका इफेक्ट पूरा खत्म डेटा सेट में, अगर मैंने इसको डब्ल्यू का वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टेक्निकली उस फीचर का कुछ ज़रा फायदा नहीं हुआ। जैसे अगर आउटलायर का प्रॉब्लम था, उसके डिस्टेंस के साथ मैं 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उस पूरे नेबरहुड में उस आउटलायर का कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। टाइम और टाइम सेइंग इस पर एग्जांपल, नंदनी समझ गई, आदि नहीं समझ पाए, शशांक नहीं समझ पाए। ऐसे एक डेटा सेट है, यू मे हैव समथिंग लाइक दिस, योर क्रॉस लाइक दिस, यू हैव सम सर्कल्स, सर्कल्स, यू हैव अ डिसीजन बाउंड्री व्हिच लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज हाउ योर डिसीजन बाउंड्री लुक्स। व्हाट आई सेड कि लेट अस से यू हैव अ डेटा पॉइंट हियर, और तुम्हारा जो नेबरहुड है वो कुछ ऐसा ऐसा है नेबरहुड, ठीक है। अगर वहां नेबरहुड ऐसा है, या पहले पहले ही प्रॉब्लम के लिए डिस्कस करते हैं, इफ इफ योर नेबरहुड वाज दिस, अगर तुम्हारा नेबरहुड ऐसा है तो टेक्निकली तुम्हारा जो क्लास होगा वो ब्लू वाला होगा, जो ब्लू क्लास है हमारा, राइट राइट। बट लेट्स से कि तुम्हारा क्लास कुछ ऐसा है और तुम्हारा k इज इक्वल्स टू 2 है, समथिंग लाइक दिस, लेट्स से। तो अब यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी तुम्हारे पास नहीं है, क्लियर मेजोरिटी तुमको दिख नहीं रहा है। सो अगर ऐसा हो कि तुम अगर अगर तुम जो ये डिस्टेंस है बिटवीन योर आउटलायर एंड योर डेटा पॉइंट, इसको तुम हटा ही दो, हाउ कैन यू रिमूव दैट डिस्टेंस, तुम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नाउ यू हैव अ क्लास विच सेज कि ठीक है श्रिंजय, दिस डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू दिस क्रॉस क्लास, ग्रे क्लास, इट बिलोंग्स टू ग्रे क्लास। ऐसे कोई फीचर जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तुम उसको हायर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका इफेक्ट बढ़ा सकते हो। तो दिस इज हाउ वी प्ले विथ डायमेंशन विथ यूजिंग वेटेड डिस्टेंस। एंड सेकेंड इज योर फीचर्स, फीचर यू कैन वर्क विथ फीचर, दिस प्रोसेस इज बैक प्रोपगेशन। वर्क विद यू, इट इज ऑल्सो नोन एज फीचर सेलेक्शन। क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास कुछ नंबर ऑफ फीचर्स होंगे, लेट्स से F1, F2, F3, समथिंग लाइक दैट, FN, कुछ फीचर्स होंगे, नंबर ऑफ फीचर्स, राइट। तुम क्या करोगे, तुम अपने से चूज करोगे कुछ पेयर, ये दोनों का पेयर बना दिया, ये दोनों का पेयर बना दिया, ये दोनों का पेयर बना दिया, ऐसे कुछ रैंडमली पेयर बनाओगे और सबके लिए एक्यूरेसी देखोगे। जिस फीचर्स के करस्पॉन्डिंग ज्यादा एक्यूरेसी आ गया, तुम उसको उस सेट ऑफ फीचर्स को ले लोगे। लेट्स से कि मेरा सेट 1 है फीचर्स F1, F5, F7, ठीक है, इसके लिए एक्यूरेसी है 95%। आई हैव दिस सेट 2 जिसमें फीचर है F1, F6, F8 एंड F9, इसके लिए एक्यूरेसी है 92%, ठीक है। मेरे पास एक सेट 3 है, आई हैव दिस सेट 3 विच हैज F2, F3, F5, और इसके लिए एक्यूरेसी 99% है। तो नाउ टेल मी विच सेट ऑफ फीचर शुड आई यूज, आई विल चूज गो फॉर विद सेट 3, सेट 3, ठीक है। एंड नाउ आई विल सिंपली डू व्हाट, आई विल ट्रांसफॉर्म माय डेटा सेट टू गेट ओनली F2 और क्या क्या था, F3, F5, F3 एंड F5, इन्हीं तीनों के साथ मैं अपना डेटा वर्क करूंगा, F2, F3 एंड F5। तो दिस इज हाउ यू डील विथ डायमेंशनैलिटी प्रॉब्लम। अब जहां इतना सारा डायमेंशन था, एन डायमेंशन, तुम उसको सिर्फ 3 डायमेंशन में तोड़ दिए, तो नाउ यू हैव एक्चुअली इम्प्रूव इट्स एक्यूरेसी। तुम देख सकते हो, तुम खुद जाकर ट्राई करो, एक बहुत हैवी डेटा सेट लो जिसमें बहुत मल्टीपल कॉलम्स हो, तुम उस पर वर्क कराओ, गेट इट्स कोरिलेशन अलग अलग कॉलम्स के साथ, ड्रॉप सम फीचर्स एंड सी हाउ इट्स एक्यूरेसी चेंजेस।
So I assume this topic is clear. I'll not explain much, any much on this topic. बाकी सब जो था आज मैंने डिस्कस कर दिया. कोई प्रॉब्लम किसी को, तो शुड बी वाइंड अप टुडे सेशन. परफेक्ट. कोई क्वेरी किसी को?